हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज छठे नवरात्र है, तो आप लोगों को छठे बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा हस्बैंड का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो आप मेरे हस्बैंड को जन्मदिन की मुबारक देना, बधाई देना और आशीर्वाद देना। और आज मैंने उसी उपलक्ष्य में, एक तो नवरात्र है माता का जो कि, और दूसरा मेरे पति का जन्मदिन, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, दोनों चीज़ है इस टाइम, तो क्यों ना मैं कीर्तन मैं हमेशा ही करती हूँ नवरात्रों में। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो क्योंकि इस बार थोड़ा सा मेरे को ये भी लग रहा था ना कि करूँ ना करूँ, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बुखार जुखाम ऐसा कुछ हो गया था मुझे, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो क्योंकि व्रत व्रत है, 9 दिन के व्रत है, तो मैं दवाई नहीं खा सकती हूँ, रात को खा सकती हूँ। और ऐसी कीर्तन में जा रही थी मैं बुखार में, क्योंकि घर में लेट के भी कुछ नहीं हो सकता है, दवाई खा नहीं सकते, सो सकते नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसी दर्द में ही चल जाती हूँ। क्योंकि इतना दर्द हो रहा था कि मतलब रोना आ रहा था, इतना दर्द हो रहा था पूरे शरीर बॉडी में ना, बुखार और सर्दी जुकाम हो रहा ना जो आजकल, उससे आवाज़ दे के आप लोगों को लग ही रहा होगा। और तो आज मैं ठीक हूँ माता रानी की कृपा से, बहुत फ़र्क पड़ रहा मुझे आज। और मुझे डर लग रहा था मैं कैसे करूँगी कीर्तन, क्योंकि जिस तरह सुबह मेरी हालत बहुत ही ख़राब वो लग रही थी, कि मुझे चला नहीं जा रहा था, कंपन हो रही थी, चक्कर जैसे आ रहे थे। और अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, और तो मैं यहाँ पे माता का दरबार सजा रही हूँ, अभी अकेली हूँ घर में अभी, तो जो शरीर में बॉडी में कमजोरी तो है, पर चलो माता रानी की कृपा है मेरे पे, और अभी मैं दरबार सजा रही हूँ। तो अभी हमारे मंडली वाले आएंगे, और उसके बाद हम अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी ला रखा है मैंने, और फिर शाम को केक कटिंग करेंगे। तो ये दरबार देख सकते हो आप लोग, अभी सजाया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने ये वो करा है, मतलब अभी फिर फोटो फोटो रखी है, सजाना बाकी रह गया है, तो जब सजा दूंगी तो दिखा दूंगी मैं आप लोगों को। और रामलीला हो रही है दोस्तों, तो लगातार रामलीला देखना, बहुत ही अच्छी रामलीला हो रही है। आप जो लोग देख रहे होंगे उनको पता है कितनी अच्छी रामलीला हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला है जब मैंने रामलीला अपनी यहाँ की रामलीला डाली है अपने यूट्यूब में, तो उन लोगों ने बहुत उन्हें बोला है कि बहुत ही अच्छी रामलीला हो रही है आपके यहाँ। हम मन तो हमारा भी करता है कि आने का, लेकिन क्या करें कि नहीं आ पाते होंगे, लोगों का अपना अपना दूर हो जाता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ काम, बिजनेस बहुत चीज़ हो जाती है लोगों की। तो बहुत उन्हें बोला मुझे कि बहुत अच्छी रामलीला हो रही है, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी रामलीला होती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती यार रामलीला में, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि आस पड़ोस के आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि अपने गांव का, तो हमारे गांव बहुत सपोर्ट करता है, मतलब बहुत सी गांव के लोग ऐसे होते हैं ना कि गांव के लोग जाते नहीं हैं रामलीला में, नहीं जाते हैं, तो हमारे गांव के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, करना चाहिए। कि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे मैं अभी अभी अपने लड़के की बात कर देती हूँ, अपने लड़के की बात भी क्या करूँ, मैं सभी की बात करती हूँ, बिजनेस वाले, स्कूल वाले। तो जैसे मेरा आजकल मेरे लड़के के पेपर चल रहे हैं, तो रात को सोता नहीं है वो, रामलीला से आता है, क्योंकि वो कॉलेज से आता है 5 बजे, 4 साढ़े 4 5 बजे, उसके बाद वो पढ़ाई पर लग जाए, थोड़ी देर बैठ जाता है, फिर पढ़ाई पर लगता है, फिर शाम को वहाँ चल जाता है वहाँ रामलीला में, और अपना अपना पाठ करके 1-1.5 बजे वहाँ से आता है, फिर वो थोड़ी देर बैठता है, फिर उसके बाद वो पढ़ाई करता है रात को। आजकल उसको नींद बिल्कुल हराम हो रखी है उसकी, तो मुझे डर भी लगता है उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना भूल गई कि सबसे बड़ी बात एक पता क्या है मेरी लड़की ने 13 साल की है वो अभी, और उसने ना मतलब 6 व्रत रख दिए अभी तक, 6 व्रत, छठा व्रत रख दिए। और खाने में ऐसा नहीं कि भूख 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 कुछ भी नहीं जैसे बच्चे, तो मुझे लग रहा है माता रानी की इतनी शक्ति होगी कि उसने इतने व्रत रख दिए। स्कूल जाना है, और ऐसा नहीं कि एक सिर पे व्रत रख के, रामलीला पूरी जितनी भी राम, मेरी तबीयत ख़राब हुई एक दिन की मेरी छुट्टी हुई,
और वो पूरी रामलीला जब तक जिस टाइम हम आते हैं 1-1.5 बजे उसी टाइम वो भी आती है। और सुबह 5 बजे उठना होता है दोस्तों उसको भी, मुझे भी, दोनों को 5 बजे उठना होता है। और उसने छठा व्रत रखा, और कोई ऐसा नहीं कि कुछ वैसा खा ले, कुछ नहीं खाती है। बस मैं 2-3 फ्रूट रखती हूँ उसके लिए, या कभी मखाना रख देती हूँ और 2-3 फ्रूट, बस वो है उसका जो भी है। और सीधा शाम को खाना, शाम को जाती है रामलीला में ही। तो उस पर मुझे लग रहा है माता रानी की इतनी शक्ति होगी कि ना तो स्कूल में तो बच्चों को भूख लगी जाती है, जैसे ऐसे ही बैठे रहे, घर में भी भूख लगी जाती है, बच्चे तो बच्चे होते ना, हम भी होते तो थोड़ा सा पेट में थोड़ा सा हो ही जाता, गुड़ गुड़ गड़गड़ हो ही जाता है। पर उसको है, मुझे लग रहा है माता रानी की और राम जी की शक्ति भी होगी। ये लगा लो रात को रामलीला जाती है, सुबह 5 बजे स्कूल के लिए उठना, ये बहुत बड़ी, सुबह थोड़ा दिक्कत करती है वो उठने में, बस थोड़ी देर सो जाती है, सो जाती है, उतने देर में गाड़ी आ जाती है, तब मेरी आफत आ जाती है ते बाल बनाने में। तो ये सब बातें हैं तो दिखा देती हूँ। आज का जो हमारे यहाँ का कीर्तन होगा, मेरे हस्बैंड की जो बर्थडे का की कटेगा, तो ठीक है दोस्तों, बने रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा भी, आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो बनाने में और भी अच्छा मन करता है जब आप, और अपने गांव के लोगों को कह देते हो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना प्लीज़ 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 प्लीज़। और सबसे पहले तो गांव होता है, और तो बाद में, पर ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं आगे। ऋतिका आ चुकी है स्कूल से। ऋतिका कैसा लग रहा? नहीं लग रहा अच्छा, बिल्कुल नहीं। क्या क्या हुआ? खोपड़ी खराब होगी? कैसे कैसे हुई खोपड़ी खराब? भूख से? चल आ जा, नींद नहीं। एनर्जी खत्म होगी हर ऋतिको, ऋतिको की एनर्जी खत्म होगी रे दोस्तों। ये देखो आज छठ नवरात्र है ऋतिक का, है ऋतिक ना, बस अब कितने रह गए, 7-8, बस 3 दिन रह गए ऋतिक अब।
कितना हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है, हमने चाय पानी दिया वती, फिर से आरती कर दी है। और ये मेरी जना जिठो सब बैठे हुए यहाँ पर, कितने लोग बुलाए थे मैंने, और इनका भाई का बर्थडे भी था, और मम्मी को भी बुला रखा मैंने। माँ माँ हेलो करना, छोटा वो नहीं है दी। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आपके चैनल का नाम थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करना। नवरात्र की बधाई बधाई हो, बोल नवरात्र की बधाई, कीर्तन की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे बाबा जी, और माता रानी का छत्र छाया बनी रहे, आशीर्वाद। ये दोनों शुभ आशीर्वाद वहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं, बाप बेटे। और मैं चेक कर रहे हो क्या क्या बोल केक ला रखा है ना। 46 साल की कर रहे, 47 एक 11 साल लग गए बाबा जी को। हां हो गया, हां काट, 11 साल ही हो गए बाबा जी। छोड़ो छोड़ो भी, अब कहां है अभी तो कोई, अब तो मुझे भी नहीं कोई। हैप्पी बर्थडे लड्डू देखो शांत बैठा हो, केक कट रहा है, वो देख रहा कुछ तो मिले मुझे, पापा पता नहीं क्या कर रहे। ये तो नहीं दे रखा बाबा जी, ये राजा का गिफ्ट, ये संगीता का गिफ्ट, खोल के देख ले एक बार, ये मेरा गिफ्ट पकड़ के रख इनको। अरे वो खोल के देखो ना, एक मिनट हाथ तो धो पहले, देखो किस किस में। राजा ने दी है पापा को पेन, करा है गिफ्ट, पेन कौन सा है मुझे भी नहीं पता, क्रॉस का है, क्रॉस का, इसमें क्या लिख रहे हैं राजी। पिलो कहाँ है, पिलो आगे रास्ता में से पिलो आज को आया दिल बेटे को, ये लिखना जरूरी है। और क्या पिलो को आया दिल, इसने कल को किसी और को दे दिया, आगे नहीं रही थी वो, तब 4-5 दिन पहले और मैंने दिए गिफ्ट में एडिडास, एडिडास के जूते दिए मैंने, चेक कर लो भाई इतना पुआए है मैंने, छोटे पूछ वाले मैंने, अरे हाँ छोटे हो, बहुत छोटे हैं। तो अब खुल रहा है संगीता का गिफ्ट, दीदी तुम्हारा गिफ्ट का है कौन सा? ये तो संगीता का है, इसे देखो जरा, इसे अबे इसको भी दे दो केक, अपना भी ठूस लेता हूँ। ये बहुत टाइम लगा रहे खोलने में, मेरे को इतना बस सबर ही नहीं होता मुझे ऐसे इतनी देर करना। खोलो ना यार, ना खोलो। और उसने दिया है अपने भाई के लिए साल्ट, बहुत अच्छी। थैंक यू संगीता, थैंक यू। ये दीदी ने क्या दिया? मैंने साल्ट। साल्ट तो संगीता ने दी, पैसे दे रही है। अच्छा दीदी पैसे दे रही है, कितना? एक गाड़ी के पैसे।
अच्छा हाथ मत लगा उसमें या लेके दिखा जरा ले आके दिखा ईमानदार रखते उसे।